हु आर इंक्लूडेड इन दिस केस मेरा बोर्ड काफी छोटा सा है एंड आई डोंट हैव एन ओ स्पेस इसलिए मैं सबकी फोटोज़ नहीं लगा सकता हूँ यहाँ पे बट स्टिल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन टू के आई थिंक यू कैन सी ऑल ऑलमोस्ट ऑल अदम और जितने भी लोग यहाँ पे रेड धागे से कनेक्टेड हैं दिस इज टू रिप्रजेंट कि कौन किस को जानता था या फिर किसने किसके बारे में सुना था सो आई होप दैट दिस इज ईजी टू फॉलो ना बट विदाउट एनी फर्दर अट स्टार्ट विद टू डेस इन अराउंड नाइनटीन नाइनटी थ्री बहुत सारी लड़कियाँ मिड वेस्ट से गायब होने लग गई थी देर वॉज नो पैटर्न कि कौन कब कहाँ गायब हो रहा था पर ये सारे अपडक्शंस ज्यादातर रोड पर या फिर मॉल्स के पास हो रहे थे अगेन नो पैटर्न सिवाय एक के ये सभी लड़कियाँ 14 से 19 साल की एज रेंज में थी और ज्यादातर सुराख एक ही आदमी की तरफ पॉइंट हो रहे थे दिस मैन वुड नॉट गिव आउट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम तो इस आदमी से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाया गया जिस जेल में ये सपोजिटली सीरियर किलर था वहाँ उसके सेल के पास एक ऐसे आदमी को भेजा गया जो कि स्मूथ टॉकर है उससे इसकी दोस्ती करवाना और फिर बिना किसी गलती के इस सीरियल किलर को ये विश्वास दिलाना कि ये आदमी भी बस इसका एक दोस्त है ताकि जितनी भी गुमशुदा लड़कियां थी उनकी फैमिली को कुछ तो क्लोजर मिले सो लेट्स लर्न मोर अबाउट केस रिवॉल्विंग अराउंड लैरी हॉल अगेन आई थिंक इट इस क्लियर की इस केस में काफी सारे नाम इन्वॉल्व हैं पर इस केस की शुरुआत होती है एक कॉलेज स्टूडेंट से जिसका नाम था ट्रिशा राइडलर जो कि गायब होने के टाइम पर उन्नीस साल की थी ट्रिशा इंडियाना वेस्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वो यहाँ अपने डोम में अपने रूममेट्स के साथ रहती थी एक दिन इन लेट 1993 नाइन्टी ट्रिशा अपने डोम से पास के सुपर में सामान लेने गई और सुपर से अपना सामान लेने के कुछ टाइम बाद ट्रिशा अपने कॉलेज की तरफ वापस जाने लगी पर बीच में ही कहीं वो अचानक से गायब हो गई यस इट वॉज स्नोई देयर पर ऐसा नहीं था कि ट्रिशा एक छोटी बच्ची थी और वो वापस जाते हुए रास्ता भूल गई हो तो अगले दिन जब ट्रेशा क्लासेस नहीं आई तो कॉलेज टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को कॉल करा और उनसे ये पूछा कि कहीं आपकी बेटी घर वापस तो नहीं आ गई है बट ऑब्वियसली ट्रेशा वॉज इन देर एज वेल ट्रेशा के अचानक से गायब होने की खबर बहुत ही तेज़ी से फैल गई और कॉलेज स्टूडेंट्स ने ट्रेशा को ढूंढने की बहुत कोशिश करी ट्रिशा के गायब होने की खबर न्यूज में भी आ गई थी पर बहुत सारी कोशिशों के बावजूद ना ही ट्रिशा की बॉडी मिली और ना ही उसके बारे में कोई क्लू पर ट्रेशा के गायब होने के सिर्फ एक वीक बाद ही कॉलेज कैंपस के आसपास बहुत अजीब सी चीजें होने लगी जब भी कोई लड़की अकेले या फिर अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज कैंपस से बाहर निकलती तो एक ब्राउन वैन उस कॉलेज के पास उनके पास घूमने लग जाती थी ये वैन बार बार सर्कल में इन लड़कियों के पास से जाती और एक फास्ट मूविंग लेन में भी बहुत स्लो चलती थी एज़ इफ समवन वाज वाचिंग दीस गर्ल्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ दैट वैन इस वैन में बैठा हुआ आदमी इन लड़कियों से बात करने की कोशिश करता और ये आदमी इन लड़कियों को अपनी वैन में इनवाइट करता था बट बीइंग क्रेप डाउट, ये सारी लड़कियां इस आदमी से और इस वैन से दूर भाग जाती थी पहले तो यह चीज बस एक बार हुई पर जब मल्टीपल लड़कियों ने इसकी रिपोर्टिंग करी तो पुलिस को लगा शायद यही आदमी है जिसने ट्रिशा को अगवा करा हो ब दर वॉज लैरी हॉल पर पुलिस कोई भी एविडेंस इस आदमी से लिंक नहीं कर पाई विच माइट कंक्लूड कि इस ही ने ट्रिशा को मारा है या फिर अगवा करा है तो लैरी हॉल को पकड़ने के बावजूद भी पुलिस को लैरी को छोड़ना पड़ा सेप्टेम्बर ट्वेंटी नाइनटी थ्री ट्रिशा के गायब होने के छह महीने बाद ऑफिसर गैरी मिलर को एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट आती है एंड दिस वॉज फिफ्टीन ईयर ओल्ड जेसिका रोज जो कि एलनोय से थी जेसिका को उसके पेरेंट्स ने एक नई साइकिल दिलाई थी और ट्वेंटी शाम को जेसिका अपनी नई साइकिल लेकर राइड के लिए निकली वो शाम को राइड के लिए निकली तो थी पर वो कभी भी घर वापस नहीं आई जेसिका की बहन उसे ढूंढने के लिए घर से निकली एंड शी वॉक जब उसने देखा कि जेसिका की साइकिल सड़क के बगल में गिरी हुई है उसे लगा कि अगर साइकिल यहाँ है तो शैसे जेसिका भी आसपास ही होगी पर जेसिका दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी बट फिर एक कौन फील्ड में एक हफ्ते बाद उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में म्यूटिलेटेड थी और पेरिस विल इंडियाना में पाई गई थी जिस स्टेट में जेसिका की बॉडी मिली थी उस स्टेट में ये इन्वेस्टिगेट कर पाना बहुत मुश्किल था कि वो कब कहाँ और कैसे मरी थी पर हाँ जैसिका वॉज डेड एक और फैमिली को ये आंसर नहीं मिले कि उनकी बेटी आखिर मरी कैसे ऑफिसर गैरी मिलर इस केस को बंद नहीं करना चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उन्हें जेसिका का केस बंद करना पड़ा बट स्टिल सम होप जेसिका की मौत के कुछ महीने बाद मिलर को पास के स्टेट से हरासमेंट की रिपोर्ट आई एक वैन में बैठा आदमी बार बार लड़कियों के पास से जाकर उन्हें परेशान कर रहा था ये वैन ब्राउन कलर की थी एंड दिस वैन बिलोंग टू अगेन लैरी यह चीज पहले एलोनॉय में भी हुई थी पर इस बार पांच डिफरेंट टाउन में लैरी की वैन देखी गई थी एंड दिस इंक्लूडेड साइटिकॉडी मिलर को ऐसा लगा कि ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता है तो उन्होंने वहाँ के ऑफिसर को कॉल लगाया एंड वो उनसे लैरी के बैकग्राउंड के बारे में और उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने लगे और तो और ऑफिसर मिलर ने लैरी के साथ एक मीटिंग भी बिठाई जिसमें लैरी वॉज नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल अकॉर्डिंग टू मिलर जब इंस्पेक्टर गैरी मिलर ने लैरी हॉल से पूछा कि क्या तुम अपनी वैन से इधर उधर घूमते हो तो लैरी ने साफ मना कर दिया जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें ट्रिशा के बारे में पता है तो लैरी ने साफ मना कर दिया फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें जैसिका के बारे में पता है तो लैरी ने उसके लिए भी मना कर दिया पर जब ऑफिसर मिलर ने लैरी को जेसिका की फोटो दिखाई तो उसने फ्लिंच करा और बस इस फ्लिंच से गैरी मिलर को यह विश्वास हो गया कि लैरी नहीं जेसिका को मारा था इस चीज को प्रूफ करने के लिए उन्हें बस एविडेंस चाहिए थे पर फिर मेन क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि इस वैन का ओनर लैरी हॉल कौन है ये आदमी लैरी डुवेन हॉल एंड उसका आइडेंटिकल ट्वेन भाई गैरी हॉल वर बॉर्न एंड व बैश इंडियाना ऑन डिसम्बर एलेवेंथ नाइनटीन सिक्सटी इनके डैड का नाम था रॉबर्ट हॉल एंड उनके डैड सेमिटेरी में काम करते थे एंड एरा हॉल लैरी की मोम थी जो कि हाउस वाइफ थी जब लैरी अपनी मोम के पेट में अपने भाई के साथ था तो ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की वजह से गैरी को लैरी से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल गए जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिवली गैरी लैरी से लाइफ में ज़्यादा अप्रोचेबल ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा कंफर्टेबल रहा गैरी वॉज कंप्लीटली डिफरेंट टू लैरी जिसके आसपास हमेशा मौत घूमती रहती थी और लैरी जब अपनी माँ के वूम से बाहर आया तब भी ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी पर किसी तरह लहरी बच गया हॉल्स के घर में पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी यू नो बिकॉज दे यूज़ टू लिव इन दिस कंट्री साइड एंड ऑब्वियसली वहाँ सभी लोग गरीब नहीं थे पर हॉल्स की फैमिली वहाँ पे थोड़े गरीब थे एंड इस घर में काम करने वाला भी बस एक ही आदमी था देर डैड रॉबर्ट तो 12 साल की उम्र से ही गैरी एंड लहरी दोनों अपने डैड के साथ ग्रेव्स डिगिंग का काम करते थे ताकि वो पैसे कमा सकें एंड आई नो दिस थिंग कि ये सुनते ही तुम्हें अजीब सा लगा होगा बट अकॉर्डिंग टू गैरी हॉल ये बॉडीज़ देखना या फिर ग्रेव डिगिंग करना उनके लिए कुछ अजीब सा नहीं था क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने बचपन से देखी थी सो दिस इन्वायरमेंट वॉज नॉर्मल टू बोथ ऑथ जब लैरी बड़ा हुआ तो उसके लिए स्कूल में फ़िट होना दोस्त बनाना इन सब में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फील हुआ उसे अनलाइक गैरी जिसके लिए सब कुछ आसान था गैरी के बहुत सारे दोस्त थे वो पार्टीज में जाता था उसकी गर्लफ्रेंड्स भी थी वेर ऑन दी अदर हैंड लैरी वॉर स्ट्रगलिंग टू मेक फ्रेंड्स ऑल्सो लैरी अपने स्कूल में बहुत अलग था और ये चीज उसके भाई गैरी को पता थी बाई द वे दिस इज गैरी हॉल फॉर माई फ्रेंड आई डोट थिंक यू कैन सी हिम सेटिंग लाइक इन दोनों भाइयों के बीच में बहुत सारे डिफ्रेंसेज होने के बावजूद भी वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे एंड अपना ज़्यादातर टाइम साथ में ही बताते थे एंड उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था सिविल वॉर री एनैक्टमेंट उन दोनों को ही शहर से शहर जाना और डिफरेंट वॉर एनैक्टमेंट कम्युनिटी से मिलना बहुत पसंद था यू नो जस्ट टू गेट द ड्रेसअप कैट ऑन स्टेज एंड रिसाइट लाइन लैरी को तो इन री का इतना शौक था कि वो ऑफ सीजन में भी कैरेक्टर में रहने की कोशिश करता था जिसके लिए वो पूरे साल भर साइड बर्न्स या मटन चॉप्स उगा के रखता था एंड दिस बिकेम द की विजुअल ऑफ लैरी हॉल जो कि बहुत सारे लोगों ने वैन के अंदर देखा था एंड इवन दो वॉर रिया से वो अपनी कम्युनिटी के दोस्त बना सकता था दिस डिड नॉट हेल्प हेम विद वुमेन वो लड़कियों से बात करने में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करता था और कैसे एक कन्वर्जेशन कंटिन्यू करनी है इस चीज़ के लिए उसके दिमाग में आइडियाज नहीं आते थे जस्ट लाइक सम ऑफ यू गाइज इसी लिए लैरी हमेशा यंगर लड़किया ढूंढता था बात करने के लिए एज दे यूज टू लिसन टू हेम एंड इन लड़कियों से कोई भी चीज बनाना लैरी के लिए आसान था एंड ये सब कुछ मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ लैरी ने ये खुद एडमिट करा था गैरी मिलर को ही बाद में सी दिस इज वेयर हम लैरी हॉल को एक इनोसेंट सॉफ्ट आदमी घोषित कर सकते हैं या फिर लैरी हॉल एक मास्टरमाइंड था जो कि हर एक चीज को एडमिट करने के बावजूद भी क्राइम से फरार हो जाता था। लैरी हॉल से जुड़े हुए जितनी भी किलिंग थी जितने भी अबडक्शन थे उन सब का कन्फेशन लैरी हॉल ने खुद करा था यस yes, लैरी पुलिस वालों को खुद ये बोलता था कि उसने किस को कहां और कब मारा है और क्योंकि कभी भी पुलिस को किसी भी लड़की की बॉडी नहीं मिली और उन्हें बस ये लगता था कि लैरी ये सारे कन्फेशन बस अटेंशन के लिए कर रहा है सो दे थाट ही वॉज जस्ट अ सीरियल कन्फेसर इंस्टेड ऑफ अ सीरियल किलर अदर देन ऑफिसर गैरी मिलर ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर गैरी को शुरू से ही लैरी हॉल पर ट्रस्ट नहीं था तो उन्होंने लैरी से जेसिका के बारे में पूछा लैरी ने बताया कि उसने जैसिका को साइकिल चलाते हुए देखा था जिसके बाद लैरी ने जैसिका को अप्रोच करा एंड शी वाज इजी टू टॉक टू एंड जैसिका ने ही लैरी की वैन में आने के लिए भी हाँ बोल दिया था पर वैन में बैठने के और लैरी से बात करने के थोड़ा टाइम बाद जैसिका को पैरानॉइड फील होने लग गया था वो लैरी को अपने आप से दूर करने लग गई उसे मारने लग गई एंड दैट्स वैन लैरी अटैक्ड हर उसने वैन रोक कर जेसिका के हाथ बांधे उसकी बेल्ट निकाली और फिर अपनी वैन में ही लैरी ने जेसिका का रेप करा जैसिका के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद लैरी ने उसे जंगल में भागने दिया पर फिर उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसिका पुलिस को सब बता देगी तो उसने अपनी बेल्ट लेकर जैसिका का गला एक पेड़ से कस के बांध दिया और उसी पेड़ के पीछे से उसने जैसिका का गला दबाया ताकि उसे जैसिका का फेस ना देखना पड़े जिसके बाद सांस ना आने की वजह से जैसी मर गई ये सब कुछ लैरी ने खुद वबैश की पुलिस के सामने कन्फेस करा था उसने वबैश के पुलिस स्टेशन में ये भी कहा कि बहुत सारी लड़कियों को उसने अपनी वैन में बैठाया था उनका शोषण करा था और शोषण करने के बाद डिफरेंट वे में उसने इन लड़कियों को मार दिया था और ट्रेशा की फोटो पर पॉइंट करते हुए उसने ये कहा कि हाँ ये लड़की मुझे यूनिवर्सिटी के पास में मिली थी और इसे मैंने अपनी वैन में बैठाया था ये किलिंग्स बहुत टाइम से चल रही थी और बहुत लड़कियों के साथ हो गई थी और बहुत ज्यादा टाइम से पुलिस को कोई कातिल नहीं मिल रहा था इनके पीछे तो गैरी मिलर एक लोकल पुलिसमैन ने ये कर दिखाया उसने ट्रेशा के जेसिका के और ना जाने कितनी लड़कियों के कातिल को ढूंढ दिया था जिसने खुद ये कन्फेस करा था पुलिस के सामने कि उसने ही इन लड़कियों को मारा है कन्फेशन so आल्सो पर इस कन्फेशन के अगले ही दिन लैरी हॉल ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी उसने अपनी स्टेटमेंट ये कहकर चेंज कर दी कि मैं तो आपको अपने सपनों के बारे में बता रहा था ऐसा कुछ भी किसी भी लड़की के साथ असली में नहीं हुआ था ये सब बस मेरे सपने हैं और इस एक स्टेटमेंट से उसने अपने सारे क्राइम अपने सारे गुनाह वापस ले लिए इस पॉइंट पर इंस्पेक्टर गैरी मिलर को यह समझ आ गया था कि लैरी हॉल कोई आम आदमी नहीं है और वह अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो उन्हें अब दोबारा

इसके बाद लैरी हॉल के घर गए और छानबीन करने पर उन्हें लैरी की चेकलिस्ट मिली जिसमें वो लड़कियों की एक्टिविटीज नोट करता था कि कब किस समय कौन सी लड़की कहाँ से जाती है कौन सी लड़की ज्यादा अकेले रहती है कौन सी ज्यादा छोटी है कौन सी किस पाथ हुए से जाती है और इसी चेकलिस्ट वाली डायरी में लैरी हॉल ने बॉडी साफ करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी लिखे थे जैसे कि कीप बॉडीज ऑन टॉप ऑफ प्लास्टिक बाय कॉन्डम्स डोंट लीव एनी डी एन एन फिंगर नेल्स गैरी मिलर को इस ही डायरी में ट्रिशा और जेसिका के न्यूज़पेपर कटिंग भी मिली थी जिससे ये क्लियर साबित होता था कि लैरी हॉल इन सभी पर मरने के बाद भी नज़र रख रहा था एंड उसे यह पता था कि पुलिस को उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है विच ही वॉज ट्राइंग टू यूज़ इन हज फेवर क्योंकि अगर बॉडी नहीं मिलेगी तो लैरी हॉल कातिल नहीं है ये सिचुएशन ऐसी थी कि गैरी मिलर के सामने ही कातिल था कातिल ने खुद भी बोला कि मैंने मर्डर करे हैं पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे एंड दिस इज़ वेयर लॉरेंस बोमांड कम्स इन टू प्ले लॉरेंस एडमंड बोमांड बोमांड भी एक इंस्पेक्टर ही थे पर वो मिलर से थोड़ा ऊँची पोजिशन पर थे और उन्होंने जब लैरी हॉल के केस के बारे में सुना तो ही कुड नॉट बिलीव इट उन्होंने गैरी मिलर से मिले हुए एविडेंसेस के बेसिस पर लैरी हॉल को जेल भेज दिया इवन दो लैरी ने अपनी अपील में ये कहा कि उसने ये सब कुछ पुलिस और लोकल के अटेंशन के लिए करा था पर अगर उसने ये सब कुछ अटेंशन के लिए भी करा था तो फिर उसने वो सारे नोट्स के छुपाए थे अपने घर में इतनी सारी पेपर कटिंग इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस राइट बिकॉज देर आर सम बिलीवर्स इन दिस केस जो ये मानते हैं अभी भी कि लैरी हॉल ने कोई खून नहीं करा बट देन देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स की उसकी बेल्ट का गायब होना ये नोट्स का मिलना उसकी वैन एकदम ही क्लीन होना जबकि पूरा घर उसका एकदम कचार था जस्ट डज नॉट एड अपल एनी वेज जेल में जाने के बाद लैरी हॉल्स के लॉयर ने उसे अपील करने के लिए बोला क्योंकि पुलिस के पास अभी भी कोई ठूस सबूत बहुत नहीं थे तो वो बाहर आ सकता था और उस समय तो बहुत ही क्लियरली ये लग रहा था कि मिलर और बोमांड दोनों मिलकर भी लैरी के अगेंस्ट ये केस हार जाएंगे और उन्हें लैरी को छोड़ना ही होगा पर यहाँ बोमांड ने अपना दिमाग लगाया बोमांड और एफबीआई ने लैरी पर इन्वेस्टिगेट करने पर ये पाया कि एलिजर्डली लैरी ने अपनी किलिंग्स 1993 से नहीं बल्कि 1918 से शुरू कर दिए थे एक डेकेड से कहीं सारी लड़कियों का अपहरण हो रहा था कहीं सारी लड़कियों का रेप हो रहा था कहीं सारी लड़कियों की डेड बॉडीज़ अनआइडेंटिफाइड पाई जा रही थी जिनके मिलने पर अब उन्हें लैरी से कनेक्ट करा गया बिकॉज दे वर ऑल्सो स्ट्रैंग ऑल्सो एक डिटेल यहाँ पर यह थी कि 1993 से पहले जितनी भी लड़कियों की बॉडीज़ मिली थी वो सारी बॉडीज़ लैरी हॉल के सिविल वॉर रीएनैक्टमेंट साइट्स के पास ही थी और बोमान को यह भी शक था कि लैरी हॉल अपने आप को इन लड़कियों पर फोर्स करता था उन्हें मारने के बाद विच इज़ अनहर्ड ऑफ विच इज़ हॉरफाइंग एंड इट इज़ इन ह्यूमन इन सभी लड़कियों के नाम हमें तो नहीं पता है इन सभी लड़कियों की फोटोज़ भी यहाँ पर नहीं है पर इनमें से कुछ ये लोग थे फर्स्ट वन वॉज नाओमी ली काइडर नाइनटीन एटी टू में एक उन्नीस साल की लड़की नाओमी ली काइडर अपने कुछ दोस्तों के साथ बफेलो, से की तरफ सफर पर निकली वो सभी ट्रैवल लॉज होटल में रुके लेकिन नोमी जब 29 जून 1982 को हिच हाइकिंग पर निकली तो उसे कोई आदमी मिला जिसके बाद किसी ने भी नाओमी को जिंदा नहीं देखा नओमी की लाश को 10 सितंबर 1982 को नेटरोना काउंटिंग में एक पार्शली डग्ड ग्रेव में पाया गया 1993 में लैरी के अरेस्ट होने के बाद नाओमी के डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से उसकी पहचान हुई और उसकी मौत को लिगेट और स्ट्रेंगुलेशन का कारण बताया गया पुलिस को यह शक था कि लैरी ने ही नाओमी को मारा था क्योंकि जब लैरी को गिरफ़्तार करा गया और जो नोट्स उसके घर से मिले उनमें से एक नोट नाओमी के नाम का भी था सेकेंड वन वॉज लिंडा लिन वेल्डी और लिटल लिंडा जो कि बस दस साल की थी ऑन ट्वेंटी फोर्थ फेबररी नाइनटीन एटी सेवन जब वो स्कूल से घर करीब साढ़े तीन बजे वापस आई तो स्कूल की बस से उतरने के बाद लिंडा गायब हो चुकी थी लिंडा की बॉडी तीन हफ्ते बाद सेवनटीन मार्च को पाई गई थी एक रेल रोड के बगल में उसकी बॉडी पर भी सेम नाओमी जैसे निशान थे और उसका भी शोषण करा गया था एंड ये चीज़ साफ दिख रही थी कि लिंडा को हाथ से दबा कर मारा गया था एंड अगेन लिंडा की मौत की के टाइम के आसपास लैरी के वैन वहाँ देखी गई थी थर्ड वन वॉज वेंडी लुईस फेल्टन फोर्थ जून 1987 को 16 साल की वेंडी घर में थी जब उसकी बड़ी बहन अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी जब उसकी बहन शाम के करीब पाँच बजे वापस आई तो उसने देखा कि वेंडी घर से जा चुकी थी और वियर चीज़ यहाँ पर यह थी कि वेंडी ने अपना सारा सामान घर में ही छोड़ा था और उससे भी ज़्यादा वियर चीज यहाँ पर यह है कि लैरी का घर वेंडी के घर से 26 मील दूर था जहाँ लैरी हॉल की वैन कहीं बार देखी भी गई थी और वेंडी के घर के आसपास उसने कहीं बार सिविल वॉरमेंट करे थे वेंडी लुइस के केस से एफबीआई को ये कंफर्म हो गया था कि लैरी एक प्रे की तरह लड़कियों को कहीं दोनों तक स्टॉक करता था और उनके पैटर्न्स को फॉलो करता था अगेन जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सारी लड़कियों की फोटोज नहीं है पर जो ये लड़कियों की लिस्ट थी जिन्हें लहरी से कनेक्ट करा गया था ये लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती थी 6 1986 को मिलिया लॉली की बॉडी पुलिस वालों को माउंट होफरी के ग्रे स्टोन के बगल में मिली थी जिसके साथ दोबारा जबरदस्ती करी गई थी और उसका गला दबाकर उसे मारा गया था 19 साल की पॉलिट सु जिसे लास्ट दो सितंबर 1988 को अपने दोस्त के घर जाते हुए देखा गया था पर उसके बाद से वो लापता थी बीस साल की सिंगल मदर मिशेल ली डी फर्स्ट जुलाई 1991 को अपने घर के सेकेंड फ्लोर पर स्ट्रैंगल्ड मिली थी बाईस साल की लॉरी जीन को लोगों ने 19 अगस्त 1992 को एक ग्रे कलर की वोल्स वैगलमैन में जाते हुए देखा था जिसके बाद वो भी हो गई थी एंड मैनी मोर ये तो बस वो लड़कियां थी जिनकी या तो बॉडीज मिली थी या फिर जिन्हें लोगों ने वैन में जाते हुए देख लिया था नाउ इमेजिन दिस थिंग कि कितनी सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता बट दे आर मिसिंग एंड वी डोंट नो देअर नेम जस्ट बिकॉज ऑफ एविडेंस सो अगेन जितना हार्मलेस लैरी हॉल बाहर से दिखता था उतना हार्मलेस वो एक्चुअली था नहीं पर बोमांड ने जितना भी लैरी को स्टडी करा था उससे कुछ बातें क्लियर थी एक चीज तो ये थी कि लैरी हॉल बहुत ज्यादा बातें करता था दूसरी बात ये थी कि लैरी हॉल को ऑटोमोबाइल पार्ट का बहुत ज्यादा शौक था और उन्हें उससे बहुत ज्यादा प्यार था तीसरी चीज ये थी कि लैरी हॉल को डेड बॉडी से डर नहीं लगता था उसके चाइल्डहुड की वजह से और चौथी एंड आखिरी चीज ये थी कि लैरी हॉल को दोस्त एंड अटेंशन दोनों चाहिए थे सो बोमांड ही मेड अ प्लान विच इन्वॉल्व जेम्स कीन जिमी कीन कैन टक्की में पैदा हुआ था और उसकी लाइफ लैरी हॉल के एकदम ऑपोजिट थी जिमी अपने स्कूल में पॉपुलर था उसके बहुत सारे दोस्त थे वो फिट था एंड ही यूज़ टू प्ले स्पोर्ट्स ही यूजारीमेल अटेंशन की भी कोई कमी नहीं थी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ लैरी जिमी इतना अच्छा एथलीट था दट ही वॉजेड फॉर प्रोफेशनल टीम फॉर जिमी के लिए उसकी बेस्ट फीलिंग थी उसके डैड का सपोर्ट बिग जिम की एक लोकल शरीफ थे पर अपने बेटे को पूरा सपोर्ट करते थे विचमेंट की अपने बेटे के साथ बचपन से खेलना उसके हर एक गेम में जाके उसे चेयर करना जिमी वॉज हिज प्राइड एंड जॉय सो दिस साउंड लाइक कि जिमी के पास तो सब कुछ था एक्सेप्ट मनी तो पैसे कमाने के लिए जिमी ने हाई स्कूल से ही ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था पहले तो वो ये ड्रग्स बस अपने क्लास में बच्चों को बांटता था पर बढ़ते बढ़ते ये बिजनेस इतना बढ़ गया था कि जिमी एक मिलियन डॉलर्स एक ही साल में कमाने लगा था एट द एज ऑफ ट्वेंटी और इतना पैसा इतने साल से कमाने के बाद नाउ ही लिटरली हैड एवरी थिंग मनी पावर गर्ल्स हाउस वट एवर ही वॉन्टेड पर जैसी लाइफ जिमी की थी वैसी लाइफ जिमी के डैड की नहीं थी वो प्राइड वाले आदमी थे तो वो जिमी से पैसे नहीं लेते थे ही वॉर स्ट्रगलिंग विद हिस हेल्थ और पैसे ना होने की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे थे जिमी को ये चीज़ पता थी कि उसके डैड उससे पैसे नहीं लेंगे पर फिर भी जिमी ने अपने ड्रग्स के पैसे से अपने डैड का इलाज कराया एंड इन अ वे वो उन्हें पाल ही रहा था बट 1996 में ये सब कुछ चेंज होने वाला था बहुत टाइम से बोमांट ने ही जिमी पर टैब्स रखे थे वो जिमी के इस ड्रग एम्पायर के अंदर घुस कर उसे अंदर से खत्म करना चाहते थे तो एक दिन बोमांट ने अनअनाउंस जिमी के घर में छापा मारा और उसे अरेस्ट कर लिया जिसके बाद जिमी को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई सो नाउ जिमी कीन इतनी लैविश लाइफस्टाइल से जेल में बंद था इन अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू मंथ्स जब जिमी अपने सजा के दसवें महीने में था जेल के अंदर बाहर जिमी के डैड की उसके बारे में सोचते सोचते तबीयत खराब हो रही थी तो जिमी ने ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरी सेंटेंसिंग कम कर दो वरना मेरे डैड की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी जेम्स कीन के पास कोई भी तरीका नहीं था बाहर आने का अपने डैड से मिलने का और जेल से जल्दी बाहर निकलने का तो इस चीज़ का फायदा उठाते हुए बोमान ने जिमी के लिए एक प्लान बनाया बोमान ने जिमी से कहा कि हम तुम्हें लैरी हॉल के साथ जेल में भेज देंगे तुम्हें वहाँ जाकर बस लैरी का दोस्त बनना है उसके बड़े भाई जैसा बिहेव करना है और उसका ट्रस्ट गेन करके तुम्हें डेड बॉडीज कहाँ है ये इन्फॉर्मेशन उससे निकलवानी है जिसके बदले में वो जिमी को जेल से निकाल देंगे पर सॉलिड प्रूफ लोकेशन ऑफ ओवर ट्वेंटी गर्ल्स सेड और रिटर्न बाय लैरी हॉल इम्पॉसिबल टास्क जिमी किन को भी ये चीज पता थी कि ये प्लान एकदम क्रेजी है क्योंकि अगर किसी भी एंगल से ये प्लान काम नहीं करा तो पुलिस और एफ दोनों जिमी किन को उसी जेल में छोड़ देंगे जहां कैदी और लैरी हॉल दोनों मिलकर उसे मार देंगे पर अगर ये प्लान काम कर गया तो बहुत सारी लड़कियों की फैमिली को क्लोजर मिल जाएगा और जिमी भी जेल से बाहर आ जाएगा तो कोई और चॉइस ना होते हुए और अपनी सेंटेंसिंग को कम करने के लिए जिमी ने इस प्लान के लिए हाँ बोल दिया हाँ सी बात है कि वो अपनी फ्रीडम के लिए ही सब कुछ कर रहा था पर जब बोमान ने जिमी कीन को इन सारी लड़कियों की बॉडी की तस्वीर दिखाई तो थोड़ा शौक में जिमी भी आ गया कि कोई आदमी इतना जंगली काम आखिर कर कैसे सकता है ना स्प्रिंगफील्ड मिजरी का जो ये प्रिजन है That is absolute hell. कोई किसी का, का दोस्त नहीं है और इस प्रयास तो इमेजिन तो, तो पहली बात तो ये थी कि जिमी की इनको इस जेल को सर्वाइव करना था देन उसका ये मिशन भी की लैरी से इन्फॉर्मेशन निकाले वो इट वॉज नॉट गोइंग टू बीजी एंड उसके ऊपर से बोमांड ने जिमी को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि छह महीने तक वो लैरी से कोई कांटेक्ट ना करे और अगर वो उसे अप्रोच करे भी उससे बात करे भी तो वो उससे गलती से भी बॉडीज या फिर मर्डर के बारे में ना पूछे क्योंकि एक गलत कदम और पूरा प्लान फेल हो जाता पर जिमी किंग के पास टाइम नहीं था दिन बर दिन उसके डैड की हालत खराब हो रही थी इसलिए स्प्रिंगफील्ड जेन में आते ही जिमी ने लैरी से बात करने का ट्राई करा नाउ जिमी और लैरी सेम जगह पर खड़े थे तो जिमी ने जानबूझकर लैरी के शोल्डर पर बम करा ही सेड सॉरी और फिर जब लैरी ने जिमी की तरफ देखा तो उसने लैरी से लाइब्रेरी की डायरेक्शन मांगी ये उन लोग का फर्स्ट इंटरेक्शन था पर इसके बाद लैरी बिल्कुल ही अनअप्रोचेबल था तो जिमी भी रुक गया उसने सोचा एंड वो लैरी की हर एक चीज को मॉनिटर करने लगा एंड देन वन डे जिमी और लैरी दोनों सेम सेल की तरफ जा रहे थे वैन फॉर द फर्स्ट टाइम लैरी रियलाइज दिस थिंग कि जिमी का सेल लैरी के सेल के सामने ही है जिमी ने लैरी को गैस करा उसकी तारीफ करी एंड इस तारीफ़ की वजह से लैरी ने उसे नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करा जिमी कीन वाज फाइनली इन स्टिल जिमी के लिए हर एक दिन ज़रूरी था तो उसने सोचा कि कुछ और तो करना पड़ेगा एक दिन जब टी रूम में लैरी दूसरे मुजरमों के साथ और जिमी के साथ भी टी शो देख रहा था तो दूसरा मुजरिम वहाँ आया और उसने चैनल चेंज कर दिया लैरी ने उससे कहा कि मुझे कुछ और देखना है तुमने चैनल चेंज क्यों करा तो इस मुजरिम ने लैरी को धमकाया उसे डराया और कहा कि चुपचाप बैठ जा एंड यहाँ जिमी कीन को एक ऑपरचुनिटी दिखी तो जिमी कीन अपनी चेयर से उठा उसने टीवी का चैनल वापस चेंज करा जो लैरी देख रहा था उस पर वो मुड़ा और वो अब इस मुजरिम के सामने खड़ा था और बिना कुछ कहे जिमी ने इस मुजरिम को मारना शुरू कर दिया लैरी वॉस्त उसे समझ नहीं आया कि अचानक हुआ तो हुआ क्या पर हल्ले की वजह से वहाँ गार्ड्स आ गए थे और जिमी को होल में भेज दिया गया था जो भी ऑन जब मैंने जिमी कीन का इंटरव्यू देखा तो वो बार बार ये होल वर्ड बोल रहा था आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वट इज़ होल बट आई थिंक कि होल वो जगह है जहाँ मिसबिहेव करने पर इन मुजरमों को भेज दिया जाता होगा वेन जिमी केम बैक लैरी का परस्पेक्टिव अब जिमी की तरफ पूरा ही बदल चुका था टू लैरी जिमी वॉज द स्काय जो कि उसका दोस्त था जो उसे जज नहीं करता था जो उसके लिए किसी को भी मार सकता था जिमी वॉज लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड जिमी वॉज लाइक हिज ब्रदर ही स्टार्टेड टू ट्रस्ट जिमी एट दिस पॉइंट और एक दिन बात करते करते जिमी ने आखिर पूछ ही लिया ट्रिशा के बारे में एंड सरप्राइजिंगली लैरी हॉल ने जिमी को ट्रिशा के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में बताइए जस्ट टू गेट यूर फील ऑफ हाउ छोटी सी डिटेल से एक छोटी सी डिटेल से लैरी हॉल हमेशा जेल के अंदर बंद रह सकता था जिमी कीन हमेशा के लिए जेल से बाहर जा सकता था और बहुत सारी लड़कियों की फैमिलीज को बहुत सारी लड़कियों की फैमिलीज को फाइनली जस्टिस मिल सकती थी सो अ लॉट वॉज एट ओवर हेयर लैरी हॉल ने जेम्स कीन को बताया कि ट्रेशा के कॉलेज के पास जो एक सुपर मार्केट था उसे ट्रिशा वहीं दिखी थी लैरी ने ट्रेशा को अप्रोच करा और अपनी वैन में आने के लिए बोला जिसके लिए वो मान भी गई। स्नोइंग दैट डे पर कुछ मिनट बाद ट्रेशा को ये समझ आ गया था कि वह किसी गलत सिचुएशन में फंस गई है तो ट्रेशा ने वैन से बाहर निकलने की कोशिश करी पर लैरी ने उसे रोक लिया ताकि ट्रिशा इस वैन से बाहर ना जा पाए उसने ट्रिशा का गला दबाने की कोशिश करी पर गला दबाने के बाद लैरी हॉल की आंखों के आगे एकदम अंधेरा हो गया एंड ही ब्लैक देखा कि ट्रिशा उसके सामने लेटी पड़ी है एंड उसने कपड़े नहीं पहने हैं इवन लैरी ने भी पैंट्स नहीं पहनी थी लैरी हॉल को समझ आ गया था कि उसने ही कुछ करा है एंड ही फेल्ट बैड तो उसने ट्रिशा के कपड़े फोल्ड करके करीब एक मील दूर एक पेड़ के नीचे ढंग से रखे जहां पर आज ट्रिशा की सेमिटरी है बट अगेन ट्रिशा की बॉडी वहीं वैन में नेकेट पड़ी थी तो लैरी हॉल ने ट्रिशा की बॉडी को एक प्लास्टिक बैग से रैप करा अपनी वैन से एक शवल उठाया और एक आरी टाइप की चीज भी उठाई फिर उसने अपनी वैन को कहीं दूर वुड्स के साइड ले जाकर पार्क कर दिया और फिर ट्रिशा की बॉडी को उठाकर कहीं डीप जंगल में उसने ये बॉडी काट दी इसके बाद लैरी हॉल ने अपनी वैन ढंग से साफ करी अपने टूल्स और बेल्ट्स को फेंक दिया और जो गाड़ी के टूल्स उसने अपने पास रखे उसे लैरी हॉल ने ढंग से क्लीन करा ये सब कुछ लैरी हॉल ने जिमी किन के सामने कन्फेस्ट करा था द वे इन विच ही किल्ड ट्रिशा वो सो हॉरीफाइंग की बात करते हुए उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए भी जिमी किंग के अकॉर्डिंग लैरी हॉल को बार बार फ्लैशबैक आ रहे थे पर इन फ्लैशबैक्स के बारे में सुनकर इस के बारे में सुनकर जिमी कीन रोने लगा एंड ही रेज पर अभी वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था और वो सब कुछ बस चुपचाप सुनता रहा जिमी कीन के पास था कन्फेशन बट ही फेल्ट हेल्पलेस इतनी हॉरिफाइंग चीज सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था बट जिमी को अब ज्यादा वेट नहीं करना था ही वॉज अबाउट टू गेट चांस इस प्रिजन के अंदर लैरी काफी स्ट्रेस भी रहता था वो किसी को तंग नहीं करता था वो सबका काम कर देता था और गार्ड से भी उसकी अच्छी खासी बनती थी तो लैरी हॉल को प्रिजन की एक वुडन वर्कशॉप में कई घंटों तक क्राफ्ट करने के लिए एज अ रिवॉर्ड जाने के लिए दिया जाता था जहां वो अपने साथ पहले भी जिमी को लेकर गया था पर एक दिन जब जिमी इस वुडन लैब में गया तो उसने देखा कि लैरी हॉल एक मैप पे काम कर रहा था जिसपे विस्कॉन्सन एलनॉय इंडियाना और कहीं प्लेसेस पर रेड डॉट्स लगे थे और इस मैप के एज पर करीब पंद्रह से बीस लकड़ी के बने फैल्कन थे और लैरी हॉल ने केन की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि दीस फैल्कन दे वॉच ओवर दी ये ही था वो एविडेंस जिससे फॉर श्योर ये पता चल जाता है कि डेड बॉडीज कहाँ थी जहाँ भी ये रेड डॉट्स थे उसके आसपास लैरी हॉल की वैन को देखा गया था जिमी को इस बात पर विश्वास था कि इन ही रेड डॉट्स पर लड़कियों को दफनाया गया था और इस मैप को याद करके जिमी वापस चले गया अपने सेल की तरफ उस रात सेल बंद होने से पहले जिमी ने लैरी को सब कुछ बता दिया कि वो उसके बारे में एक्चुअली क्या सोचता है कीन ने हॉल से कहा कि यू आर अ साइको तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और मैंने तुमसे ज्यादा पेटीट वीक और मॉन्सरस आदमी अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है लैरी वॉज कॉट ऑफ गार्ड। ये आदमी जिससे वो इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था अपना बड़ा भाई जैसा मानता था वो अचानक उससे ऐसी बातें कर रहा है उसने कीन की तरफ उंगली करके कहा कि तुम्हें भोमांड ने भेजा है यहाँ तुम्हें भूमांड ने मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ भेजा है राइट इस पॉइंट पे कीन और हॉल के बीच में काफ़ी ज़ोर जोर से बहस होने लगी तो गार्ड्स ने दोबारा से जिमी को हॉल में या फिर सॉलिटरी में बंद कर दिया बट दिस वॉज अ बैड न्यूज़ क्योंकि यहाँ से कीन अपनी बात और प्रूफ बोमांड तक नहीं पहुँचा सकता था पर फिर तीन हफ्ते बाद जब कीन को छोड़ दिया गया तो उसने सीधा बोमान को कांटेक्ट करा और सब कुछ कन्फिस कर दिया जिमी को ये डर था कि कहीं उसने लेट ना कर दी हो एंड ही होप्ड कि उसकी इन्वेस्टिगेशन वॉज इनफ बट बोमान एन इंस्पेक्टर उसे लगा कि शायद मुझसे झूठ बोल रहा है सिर्फ जेल से बाहर निकलने के लिए तो जिमी ने बोमान की शांति के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट भी दिया जिसमें एवरीथिंग थिंग क्लियर जिमी जो भी इन्फॉर्मेशन बोमान को बता रहा था वो सब कुछ सच था एंड ऑन दिस बेसिस बोमान ने जिमी का जेल सेंटेंसिंग कोर्ट में रद्द कर दिया एंड जेम्स कीन वॉज अ फ्री मैन एट लास्ट इन केस ऑफ लैरी जो भी उसके कन्फेशन थे और मैप की डिटेल्स थी ये सब कुछ उसके अगेंस्ट यूज़ करा गया पहले तो कोर्ट को ये जेमी का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन निकालना अनएथिकल लगा पर फिर उन्होंने भी जब लैरी के सारे कन्फेशन सुने तो उन्हें समझ आ गया था कि लैरी हॉल एक खतरनाक इंसान है सो so, उन्होंने लैरी की सेंटेंसिंग छः महीने से लाइफ टाइम की कर दी थी यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह भी है कि लैरी हॉल के भाई गैरी हॉल ने गैरी ने भी एक टेप कोर्ट में पेश करी थी लैरी के अगेंस्ट अपने भाई के अगेंस्ट थी सी जिमी के फ्री होने के बाद और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलने के बाद लैरी ने एक और बार अपनी अपील करी तो फिर एफ ने लैरी के भाई गैरी से मदद मांगी उससे कहा कि तुम अपने पास एक टेप लेकर जाओ और उससे कन्फेस्ट कर दो कि लैरी नहीं ये सारे मर्डर करे हैं और गैरी के बहुत मनाने के बाद लैरी ने फाइनली टेप पर सत्रह मर्डर्स को एक्सेप्ट कर दिया था पर लैरी ने सेंटेंसिंग के बाद दोबारा से ये सारे कन्फेशन चेंज करके बोला कि मैं तो अपने भाई को भी अपने ड्रीम्स के बारे में बता रहा था एट दी एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर लैरी हॉल एंड वो हमेशा जेल में ही रहा सी इन दिस केस जेम्स कीन की बुक में जब लैरी हॉल्स के जो एक किलिंग थी उन्हें डिस्क्राइब जब करा गया था तो उनमें ऐसा डिस्क्रिप्शन था कि जब भी लैरी हॉल किसी लड़की को मारता था तो अकॉर्डिंग टू जेम्स केन लैरी हॉल ब्लैकआउट हो जाता था इनडायरेक्टली ये मतलब था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता था वो लड़कियों के साथ क्या करता है क्या नहीं करता है पर फिर इन लड़कियों का शोषण करने के बाद उन्हें मारने के बाद उन्हें दफनाने के बाद लैरी हॉल ने अपने नोट्स में इन इंसिडेंट्स को कैसे लिखा उसे ये सब कुछ याद कैसे था विच ऑल्सो रेजेज अ क्वेश्चन कि क्या उसने पहली बार इंस्पेक्टर गैरी मिलर से झूठ बोला क्या उसने दूसरी बार जिमी कीन से झूठ बोला या फिर दिस वॉज ऑल लैरी हॉल्स प्लान वेल ये चीज तो बस लैरी हॉल को पता होगी बट विथ दिस लैरी हॉल का केस यहीं पे समाप्त होता है आई डिड वर्क हार्ड ऑन दिस केस सो आई होप दैट माई फ्रेंड्स अप्रिशिएट दिस थिंग इट्स जो वेन टाइम यू गाइज़ वोट गेट इट फ्रो मेरे दोस्तों को समझा जाएगा ये चीज़ एंड बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू से अगर तुम्हें थ्रू काम वीडियोज़ पसंद है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी वेल दट्स इट फॉर टुडे आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी आई होपोप दट यू गाइज आर हेल्दी प्लीज़ कीप यूर लॉकडाउन वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई वी सी वेरी वेरी सुन बाय बाय